कहानी यूपीएससी की बाय यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरोरा लाइट्स के बारे में, जो हाल फिलहाल में लद्दाख के क्षेत्र में देखी गई थी। ये चमकीली और काफी तेज तीव्रता की प्रकाश पुंज होती हैं, जो सामान्यतः पोल्स के पास देखी जाती है। तो आपको बता दें, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, अभी भी इवॉल्विंग फेज में है और इसने अभी अस्थायित्व प्राप्त नहीं किया है। इसी क्रम में जो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण पिंड है सूर्य, जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो बाहरी लेयर है उससे भी समय समय पर कुछ मात्रा में पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोरोनल मास इजेक्शन, यानी CME। तो अभी जो अरोरा लाइट्स हमारी आई हैं, दिखी हैं, इनका कारण क्या होता है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है, यानी सूर्य की बाहरी परत से जब कोई मैटर निकलता है, तो चूंकि ये मैटर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने पर जब ये चार्ज पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर जो चार्ज्ड आयंस होते हैं, तो इनसे क्या होता है, एक बड़ा स्टॉर्म क्रिएट होता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जिनको बोलते हैं, और इन्हीं के फलस्वरूप कलरफुल ब्राइट लाइट्स भी उत्पन्न होती है, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरोरा। और ये लाइट्स मुख्यतः, जो ये फेनोमेना होता है, जो घटनाक्रम होता है, मुख्यतः ये पोल्स के करीब देखा जाता है। जब ये घटनाक्रम नॉर्थ पोल के करीब देखा जाएगा तो उसे बोला जाता है अरोरा बोरियोलिस, और यही घटनाक्रम यदि साउथ पोल के करीब देखा जाएगा उसे बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। लेकिन हाल फिलहाल में लद्दाख में देखा गया ये घटना। लद्दाख ना तो उत्तरी ध्रुव के समीप है, ना ही दक्षिणी ध्रुव के। तो क्यों देखा गया? कारण यह था कि जो इस बार कोरोनल मास इजेक्शन हुआ और उसकी वजह से जो एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न हुआ, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसकी जो लाइट्स है केवल नॉर्थ पोल तक नहीं सीमित रही, बल्कि लद्दाख तक भी देखने को मिली थी। इसलिए घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज जानने के लिए है हमारी ये अरोरा लाइट्स के बारे में, या अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रालिस के बारे में, कि इनका हमारे पर्यावरण पर या एटमॉस्फेयर पर, हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो आपको बता दें कि जो अरोरा लाइट्स होती हैं, चूंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारे जो भी स्पेस में सैटेलाइट्स मानव द्वारा छोड़ी गई हैं, इनके वर्किंग सिस्टम को ये डिसरप्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की भी जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि ये नेटवर्क कनेक्टिविटी को ब्रेक कर सकती हैं, और वहाँ से जो हमारे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बातचीत या उनकी सप्लाई, सारी चीज़ें बंद हो सकती है, जिससे उनकी जान भी खतरे में हो सकती है। इसके अलावा धरती पर हमारे जो पावर ग्रिड कनेक्शंस हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये भी बहुत बार अच्छे खासे समय के लिए प्रभावित हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था यूपीएससी के दृष्टिकोण से, अरोरा लाइट्स, जो हाल फिलहाल में चर्चा में भी रही क्योंकि लद्दाख में ऐसा देखने को मिला है। तो आशा है आपने अपने ज्ञान की पिटारे में एक नई और चीज़ जोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।